सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। ये बात विधायक सुभाष ठाकुर ने सड़क सुरक्षा माह के तहत स्थानीय बस स्टैंड में वाहन चालकों तथा बस कंडक्टरों के लिए आयोजित हेल्थ चेकअप शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है तथा इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करके वाहन चालकों तथा सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यदि इन नियमों के बारे में आम जन जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी होती है और इसी जल्दी के कारण अक्सर लोग सड़क पर पैदल चलते हुए या वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों को भूल जाते हैं, जिसके कारण आकस्मिक सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आरटीओ योगराज धीमान ने सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित प्रचार सामग्री भी वितरित की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर लगभग 90 सरकारी तथा निजी वाहन चालकों तथा कंडक्टरों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा 45 वाहन चालकों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 1 महीने का ये कार्यक्रम भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि जन जन तक सड़क सुरक्षा के प्रति जो संदेश है जन जन तक पहुंचाया जा सके और उसे लोग अपना सकें और इसे आंदोलन के रूप में लिया जा रहा है ताकि जन सहयोग इसमें पूरी तरह। इसी कड़ी में आज का जो यहाँ पे हमने मेडिकल जनरल हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप ये HRTC के बस स्टैंड पे यहाँ पे रखा है, तो इसमें HRTC के ड्राइवर्स कंडक्टर्स और जो निजी बसों के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनके लिए स्पेशल विशेष रूप से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन यहाँ पे मौके पे किया गया, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलता है कई बार बिजी लाइफ में, तो ये यहाँ पे और साथ के साथ इन्हें यदि किसी की रिक्वायरमेंट चश्मे की होगी तो उसे चश्मे भी प्रदान किए गए हैं। तो उसका शुभारम्भ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर जी ने किया है और इसी तरह ये आगे कई टाइप के प्रोग्राम हैं, आगे हम कैरी आउट करते रहेंगे। और लोगों को विशेष मेरा ये निवेदन है, अलग अलग सेगमेंट की वजह से अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं उनके अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज की ये कड़ी इसी के लिए थी। इसके साथ ही जो लोगों से जरूर ये अनुरोध निवेदन है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इसमें जो नियम है सड़क सुरक्षा के उनकी अनुपालना सुनिश्चित करना अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लें, अपना नियम बना लें ताकि वो लोग सुरक्षित रह सकें, वो परिवार सुरक्षित रह सके, वो समाज सुरक्षित रह सके, जो कि हमारा समाज कि उसमें कोई मौका नहीं होता। और इसके लिए एजुकेट करना, अवेयर रहना, उसके लिए आपने जो यह सारा कार्यक्रम चलाया है, यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में यह इस कार्यक्रम को ले रहे हैं कि आम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। और आपने आम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम भी किए हैं, उसके लिए मैं बिलासपुर RTO का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने हर वर्ग के साथ अपने को भी जोड़ा है, कार्यक्रम के माध्यम से एजुकेट किया, अवेयर किया है और आपने सभी को यह कहा है कि यह एक जो एक काम है ड्राइवर और कंडक्टर्स का, ये बड़ा संवेदनशील काम है, कठिन काम है, रात दिन चलते हैं और हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ पर कोई जाने के लिए भी दिक्कत होती है वहाँ तक हमारी बसें जाती हैं। तो इसे कठिन कार्य को अगर कोई कर रहा है तो HRTC कर रही है, या प्लेन से जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वह भी इस चीज़ को महसूस करते हैं किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सुंदर देखने को सड़कें लगती हैं, लेकिन जो वहाँ बस लेके जाता है और जिस तरह से ड्राइवर्स वहाँ पर काम करते हैं और उसमें एक इनका बहुत सराहनीय काम है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और आम व्यक्ति से भी यह कहना चाहूँगा, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो, चाहे कार पे हो, चाहे स्कूटर्स पे हो, कि लाइसेंस जरूर बनवाएं, हेलमेट जरूर पहने, अपना भी ध्यान